अब आम जनवरी इन अस्पतालों में सस्ते में अपना इलाज करा सकेंगे। ईएसआईसी ने अपने अंशधारकों के अलावा आम लोगों को अपने उन अस्पतालों में चिकित्सा सेवा लेने की अनुमति दी है जहां क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। बैठक में बीमित व्यक्ति के अलावा आम लोगों को उन ईएसआईसी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा लेने की अनुमति देने का निर्णय किया गया जहां पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। इसके लिए लोगों को बाह्य रोगी विभाग में परामर्श लिए ₹10 और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा पैकेज दर का 25% और शुल्क देना होगा। ईएसआईसी देश भर में 150 से अधिक अस्पताल और करीब 17,000 बिस्तर हैं। बयान के अनुसार ईएसआईसी के कुछ अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर पूर्णकालिक कर्मचारी नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई।